मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे हो पूरी हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, पद वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष जारी है। जैसे आपको मालूम है कि भोपाल में आंदोलन जारी है दोस्तों, और हमारे श्री रंजीत गौर जी जमीनी स्तर की टीम लगातार संघर्ष कर रही है। साइंस और सोशल साइंस के पद आने चाहिए जिससे कि वो आवेदन कर सकें, और जो उपेक्षित विषय हैं उनके पद बढ़ाए जाएँ, और वर्ग दो और वर्ग एक में जितनी भी पोस्टें निकाली गई वो कम निकाली गई, सभी सब्जेक्ट की पद वृद्धि होनी चाहिए, और सेकेंड काउंसलिंग करने से पहले उन पदों को घोषित करें, यही मांग जारी है। और दोस्तों, पूरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी इस मुहिम से जुड़ सकें। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, भोपाल दैनिक भास्कर 10/10/2022 का न्यूज़पेपर है, पूरी इसमें खबर दी गई है। सुबह से ही खजूरी सड़क, नरसिंगर रोड, सूखी सिवनिया में पुलिस बैरिकेटिंग, 4000 बेरोजगार पहुंचे भोपाल, पुलिस को चकमा दे, शहर के बीचों बीच निकाली रैली। पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीटा, घसीटा और खदेड़ा, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो भर्ती सत्याग्रह नौकरी की मांग को लेकर 4000 बेरोजगार युवा रविवार को राजधानी पहुंचे। इनमें से कुछ पैदल, कुछ बाइक टैक्सी से, तो कुछ बसों से, ट्रेनों से भोपाल पहुंचे थे। इसके चलते लाल घाटी से खजूरी सड़क, रतिबाड़ा रोड, बोर्ड ऑफिस के आसपास युवाओं का प्रदर्शन हुआ। दरअसल 2 अक्टूबर के इंदौर से 200 युवकों को एक दल प्रदर्शन के लिए पैदल भोपाल के लिए निकला था। इन युवकों के एक ग्रुप है, नाम है नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन। ये सभी युवा सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो दोस्तों, जो ये प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जब इन्हें भोपाल के एहसान अली पार्क के प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो इन्होंने सोशल ग्रुप पर मैसेज किया कि 9 अक्टूबर को भोपाल की भर्ती सत्याग्रह रैली निकलेगी। जब ये दल रविवार को तकड़े खजूरी सड़क पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सुबह 6:30 बजे से प्रदेश के अन्य जिलों से युवा भी राजधानी पहुंचने लगे। पुलिस ने सूखी मनिया, खजूरी सड़क और नरसिंहगढ़ रोड पर बैरिकेटिंग कर प्रदर्शन के लिए आ रहे युवाओं को रोका, और पुलिस वाहनों ने उन्हें भोपाल की सीमा से बाहर छोड़ दिया। जैसे ही ये मैसेज सर्कुलेट हुआ कि पुलिस शहर में घुसने से रोक रही है, तो बेरोजगारों ने अपनी रणनीति बदल दी। युवा बसों, ट्रेनों में सवार होकर राजधानी पहुंच गए। यहां पर यदि आप देखेंगे तो प्रदेश स्टेट में कहा कितने पद खाली हैं, तो कुल इतने पद खाली हैं दोस्तों। बैकलॉग के पद भी देख लें आप, विज्ञापन में जारी पद देख लें, सबसे ज़्यादा रिक्त पद 35,767 स्कूल शिक्षा विभाग के हैं दोस्तों। तो प्रमुख मांग के जो इतने पद खाली हैं तो उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा। आगे देखें, 9 के खिलाफ केस दर्ज। ये सभी युवा MP नगर में इकट्ठे हुए और फिर रैली निकालकर शुरू की। करीब 50 युवा ने यह रैली निकालनी की। सतपुड़ा भवन पहुंचते पहुंचते युवाओं की संख्या करीब 400 हो गई। पुलिस ने इन्हें आनंद फानंद में चिनार पार्क लेकर पहुंची। एडिशनल DPC जैन श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि 9 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं को केस दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, तो ये तो अपने हक की मांग कर रहे थे, एक रोजगार की ही मांग कर रहे हैं, और आप स्वयं देखें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यूका के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। युवाओं को खजूरी सड़क से रोड पर सगुन मैरिज गार्डन में पुलिस ने नजरबंद किया, तो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। पुलिस ने विक्रांत सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद NCI और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी कहना है कि हम युवाओं को अपना सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे जायज हैं। पुलिस ने किया बल का प्रयोग। जब प्रदर्शनकारी ने सड़क पर धरना खत्म करने से मना कर दिया तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कई युवा सड़क पर लेट गए, पुलिस ने उन्हें और बाकी प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, बेरोजगार युवा सत्याग्रह रैली में शामिल होने से इंदौर सहित अन्य शहरों में पहुंचे। यहां पर भी आप देखेंगे तो राजधानी प्रदेश भर के युवाओं को जमावड़ा, पुलिस ने भौरी में रोका। और पूरी न्यूज दोस्तों इसमें भी वही आई हुई जो मैंने के आपको पढ़कर बता दी है। युवाओं की प्रमुख मांगें क्या है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो राज्य वन सेवा 2019, 2020 और 2021 राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा शीघ्र पूर्ण की जाए। MPPSC 2022 की सभी परीक्षाओं का अधिसूचना अतिशीघ्र घोषित की जाए। PAB द्वारा सभी बैकलॉग पद सहित आगामी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। OBC आरक्षण केस की नियमित सुनवाई शुरू हो और जल्द से जल्द निर्णय लिया प्रयास किया जाए। मध्य प्रदेश की PSC 2019 के परिणाम शीघ्र घोषित, प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
राज्य सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा और 2021 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएं। प्रदेश में बिजली, स्वास्थ्य, पुलिस की खाली पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाए। शिक्षक भर्ती वर्ग एक वर्ग दो के पदों में वृद्धि और द्वितीय काउंसलिंग शुरू की जाए। वर्ग तीन के पदों की संख्या 51,000 की जाए। आरक्षक के 15% वेटिंग के साथ वीरता सूची अति शीघ्र जारी की जाए और जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 58 वर्ष की जाए दोस्तों। और इसके अलावा अन्य प्रमुख मांगे रही दोस्तों, तो इसमें भी पूरा की पूरा जो है ब्यौरा दिया गया है। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं जिसने इसे कवर न किया हो। ये बहुत बड़ी मुहिम है दोस्तों और इसमें आप सभी सहयोग कर रहे हैं, आपको जितना भी थैंक्स बोलूँ कम है। डीबी स्टार ग्वालियर में भी ये न्यूज प्रमुखता से आई है। शिक्षक भर्ती के लिए डीपीआई ने शुरू की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। साइंस सोशल साइंस के 110 पदों पर भर्ती न होने से आवेदकों में निराशा। यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों, तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। उधर डीपीआई सूचना जारी कर दो विषयों के उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया से भार कर पात्र उम्मीदवार शिक्षक बनने की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। डीपीआई ने कहा कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषयों के लिए पद रिक्त नहीं है, इसके कारण इन विषयों के उम्मीदवारों की प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा नहीं दी जा रही। माध्यमिक शिक्षक 7 विषयों में 5,670 पदों के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की थी। इसमें सामाजिक विज्ञान के 60 और विज्ञान के 50 पद की विज्ञप्ति किए गए थे। इनमें क्वालिफाइड उम्मीदवार क्रम से 61,269 और 41,699 हैं। लेकिन अब 5 विषय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और गणित में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी। इसे लेकर उम्मीदवार नाराज हैं। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को भी चिन्हित करने के लिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इसकी अंतिम तारीख 10 अक्टूबर है। उम्मीदवारों को 16 अक्टूबर तक दस्तावेज अपलोड करना होगा। वह ऐसे उम्मीदवार जो पहले काउंसलिंग में शामिल और दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन कर चुके हैं थे, लेकिन मेरिट क्रम में नहीं आने के कारण नियुक्ति नहीं हुई, ऐसे अभ्यर्थियों को सेकंड राउंड में काउंसलिंग में दस्तावेज अपलोड कराना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप देखेंगे उम्मीदवार नहीं कर पा रहे रजिस्ट्रेशन। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो 75 अंक या से अधिक का अंक प्राप्त होने के कारण क्वालिफाइड हो गए थे, इन भर्तियों में शामिल करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन उम्मीदवार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना दस्तावेज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं ताकि ये पूर्व में अनारक्षित श्रेणी में डिस्क्वालिफाइड थे दोस्तों। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है जिस पर मैं कल वीडियो लाया था। तो दोस्तों आप स्वयं आपके सामने देख रहे हैं कि सच्चाई और हकीकत क्या है। मांग एक ही है कि शिक्षक भर्ती में जितने भी पद हैं वो बढ़ाए जाएं और जो भी बेरोजगारी है उसे दूर की जाए। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है दोस्तों कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो हम अतिथि शिक्षक से काम चला रहे हैं, जबकि अतिथि शिक्षक का फ्यूचर क्या है, क्योंकि उनकी भी कोई नियमितकरण का जो है अभी तक खाका तैयार नहीं किया गया है। ये स्वयं विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब में यही कहा गया दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। तो फिर रेगुलर टीचर की भर्ती क्यों नहीं, जब अच्छे क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। साइंस और सोशल साइंस जो कि कठिन सब्जेक्ट है, साइंस कितना कठिन सब्जेक्ट होता है और इतने सालों में क्या उसकी कोई भी पोस्ट नहीं बनी है, क्या सोशल साइंस की कोई पोस्ट नहीं बनी है जिनमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हुए थे। जैसे हिंदी देखें, हमारी राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा कह दें, क्षेत्रीय भाषा कह दें, मातृभाषा कह दें, कितने भी हम उदाहरण से हिंदी को जानते हैं उसके कितने पद निकले, इतने कम पद क्यों निकाले गए। और भी सब्जेक्ट की बात करें, संस्कृत की बात करें, उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, काफी पोस्टें खाली हैं। वर्ग 1 के सभी सब्जेक्ट की बात करें, काफी पोस्टें खाली हैं, तो वो सभी बढ़नी चाहिए, उसी के लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं उनकी बात सभी तक पहुंचे, उससे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया का है। और सोशल मीडिया के सभी जागरूक नागरिक जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें आगामी जो भी मुहिम हो उसमें संख्या बल और ज्यादा हो, सपोर्ट और ज्यादा मिले। और हमारा एक ही है कि जितने भी पद खाली हैं उन पर नियमित भर्ती की जाए। धन्यवाद दोस्तों।